अब बात करेंगे आशियाना इकबाल स्कैंडल के हवाले से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। फवाद हसन फवाद के खिलाफ नैब की तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। इसी पर बात कर लेते हैं राहिल सैयद से। राहिल सैयद बताएगा, फवाद हसन फवाद के खिलाफ नैब की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। फवाद हसन फवाद के खिलाफ जो नैब तहकीकात कर रहा था, इस हवाले से अचानक एक बार सेंट में उनको गिरफ्तार किया गया था और तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि जराय की जानेब से कि ये आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं तहकीकात, और फवाद हसन फवाद को इसके साथ जो रहता हफ्ते में जो है वो दायर किया जा सकता है साबित अदालत में, क्योंकि अचानक एक बार सेंट में फवाद हसन फवाद के ऊपर मुबीन तौर पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अपना जो असर रसूख इस्तेमाल किया था और जो डेवलपर्स के खिलाफ डेवलपमेंट कंपनी के जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनके ऊपर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी मनपसंद कंपनी को देखा दिया जाए, जबकि रेसिडेंट कंपनी को जो पहले टिका दिया गया था उसको कैंसिल। इस हवाले से जो नैब तहकीकात कर रहा था, कुछ शवाहिद जो नैब के पास आए थे जिनका फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया गया था। अब जाकर कहना यह कि तहकीकात तकरीबन आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं और इसी के वास्ते रेफरेंस जो है तहकीकात आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया राहिल से ये तफसीलात से आगाह करने के लिए।